नारी शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। नारी शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। और आज ठीक सर, हाँ ठीक, आज हमारे भारतीय किसान संघ की जो मांग है कि हमारे देवास तहसील से माँ नर्मदा की पाइपलाइन निकल रही है और हम उस पठारी क्षेत्र पर है जहाँ पर कोई नदी तालाब या कोई स्टाफ डैम नहीं है, पर हमारे क्षेत्र से पाइप जाते हुए भी हमारे क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है। हमारे देवास तहसील पूरी तरह सूखी है पानी के लिए और बहुत पठारी भाग पर है। पानी जहाँ पर दिया जा रहा है उन किसानों को मिलना चाहिए, उनका विरोध नहीं करते हैं, पर पहले प्राथमिकता हमारी है कि जो पाइपलाइन निकल रही है वो हमारे खेत खलिहान से होकर गुजर रही है और हम प्यासे बैठे हैं। कौन से ऐसे इलाके हैं? हमारा देवास तहसील पूरी डबल चौकी से लगा डबल चौकी से जवासिया तक जो हमारा देवास तहसील है वो पूरा सूखा है और पानी नहीं दिया जा रहा है और हमारे खेत खलिहान से माँ नर्मदा का पाइपलाइन निकल रहा है। यदि हमारे क्षेत्र को पानी नहीं दिया जाएगा तो हम भारतीय किसान संघ के बैनर तले उग्र आंदोलन करेंगे और उस कार्य में बाधा डालेंगे। हमारी मांग है कि हमारे खेतों को पानी मिले। थोड़ा सा अपने क्षेत्र से पाइप लाइन जा रही है और हमको पानी नहीं जाएगा जी। और हम इस पठारी भाग पर है, यहाँ पर कोई पानी का कोई बड़ा स्रोत नदी तालाब डैम स्टाफ डैम कुछ भी नहीं है और जहाँ पर पानी दिया जा रहा है वहाँ पर हमेशा पानी रहता है, उस क्षेत्र को दिया जा रहा है। तो पहले अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए पानी के लिए। देवास तहसील इम्बुलडेश्वर, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसी संदर्भ में मैं मुख्यमंत्री जी से अभी मिलके आई, 10-12 दिन ही हुए हैं मैं मिलके आई और मैंने बताया है कि मेरा क्षेत्र ही वंचित हो रहा है। दोनों साइड से पाइपलाइंस निकल रही हैं और बिल्कुल बराबर हमारा क्षेत्र है वो बीच में छूट रहा है। तो वो पूरा मैप भी मैंने उनको दिया जिसमें पाइपलाइन दिख रही है कि हमारे क्षेत्र से बिल्कुल लग के दोनों तरफ से निकल रही है और हमारा क्षेत्र छूट रहा है। और ये मैंने मांग की है उनसे, तो मेरे सामने ही मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को बोला है कि इस चीज़ का सर्वे किया जाए। वो जो उनका डिपार्टमेंटल सर्वे होता है कि वो क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे हो सकता है, क्या खर्चा है, क्या बजट में आ सकता है, ये सब उनकी जो अंदरूनी बातें होती हैं वो उन्होंने करने के निर्देश मेरे सामने उस चिट्ठी पर लिख के दिए हैं। बहुत जल्दी मैं फिर से जाके मिलूंगी क्योंकि बार बार अपना काम है, बोलना पड़ता है। मैं जाऊंगी फिर से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी और अभी 27 तारीख को आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उस वक्त मैं खुद फिर से उसको फॉलो अप करूंगी। और आप लोगों को जितनी चिंता है उतनी मुझे भी है कि मेरे क्षेत्र को वंचित नहीं किया जाए। देवास में नर्मदा का पानी आएगा, शहर में स्वर्गीय महाराज साहब लेके आए हैं, तो हमारा ग्रामीण क्यों वंचित रहे, ग्रामीण में भी नर्मदा का पानी आना चाहिए और आएगा। जब तक नहीं आएगा मैं प्रयासरत रहूंगी आप लोगों के साथ। नर्मदा मैया की नारी शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। नारी शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।